सबूत वबूत मिले हैं वो मेरे खिलाफ है. सो बेसिकली वो लोग बस इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी पूछताछ करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं ताकि रागिनी को कुछ प्रॉब्लम ना हो. हाँ जी उस सिमर एग्जैक्टली सिमर बिल्कुल जानती है और उसे विश्वास है कि यू नो मैं कुछ गलत नहीं कर सकती. और मैंने जब इससे उससे ये सारी बातें शेयर की तो उसने कहा कि मैं कोलकाता सिर्फ तुम्हारे लिए आऊँगी और तुम्हें यू नो इनोसेंट प्रूव करके जाऊँगी. सो बस वो मेरी मदद करने के लिए आई है. जब घर का कोई भी सदस्य मेरे साथ नहीं है एक्सेप्ट फॉर संस्कार बट तो आई थिंक कोई तो होना चाहिए ना मेरी मदद करने के लिए. अरेस्ट नहीं है वो सिर्फ मुझे उधर लेकर जाएंगे पूछताछ और मे बी एक आध दिन आई डोंट नो वो उधर रखेंगे शायद पता नहीं. बेसिकली पहला जो मेरा मोटो रहेगा वो सबको कन्विंस करना होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना मैंने यू नो रागिनी को किडनैप किया है ना ही उस पर घर पे जो भी हमले हो रहे हैं मतलब उस पर एक स्टोर रूम में हमला हुआ किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की वो भी मैंने नहीं किया है. सो बस सबको ये बताना है कन्विंस करना है. तो उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि रागिनी का किडनैपर कौन है वो ढूंढना होगा. सो बस वो जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करूँगी.